हमें तैर कर जाना होगा उस तरफ, बहाव बहुत तेज है। तो शुरू करें, पहले आप जाएंगे, पहले आप ही जाइए। खतरनाक लग रहा है ये, पहले नहीं जाना चाह रहा। मेरा नाम है सिरिल शोके और मैंने मॉन्स्टर फिश का पीछा करते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। पकड़ लिया। खास तौर पर बिग प्रेडेटर्स और साउथ अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी मैं इसीलिए आया हूँ। हालांकि ये दुनिया की एक सबसे खतरनाक जगह है, जख्म बहुत गहरा है, यहाँ बहुत कुछ है। इलेक्ट्रिक ईल्स, बहुत खतरनाक जानवर है, शॉक दे सकता है आपको। केमन्स, पिरानास, इस पिराना का साइज तो देखिए जरा। और यहाँ एनाकोंडास भी है, लेकिन यही एक जगह है जहां सबसे विशाल और दुर्लभ फिश भी पाई जाती हैं। इस एक्सपेडिशन पर मैं एक ऐसे इलाके में जाना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने ये सुना है कि वहां रहने वाली मॉन्स्टर फिश फिशरमैन और उनकी बोट्स को भी पानी के नीचे खींच सकती हैं। और वहां के जंगलों में जिंदा रहने के लिए मुझे कई टेक्निक सीखनी होंगी। इससे पहले भी मैं कई बार अमेज़न आ चुका हूँ। शुरू करते हैं। लेकिन इस बार मैं दुनिया के एक सबसे विशाल और सबसे ताकतवर प्रेडेटर को ढूंढने आया हूँ। वो ऊपर नहीं आ रहा। उसका वजन 135 किलो से ज्यादा हो सकता है। यस। शार्क जैसी पराएबा। ओह माय गॉश। चेजिंग मॉन्स्टर्स। मैंने दुनिया भर के जंगली इलाकों में मॉन्स्टर फिश पकड़ी हैं। अफ्रीका के जंगल कोस्ट से लेकर टेक्सिस के दक्षिण में और साउथ पैसिफिक के खोए हुए आइलैंड्स पर भी। लेकिन इस बार मैं फिश का पीछा करते हुए अमेज़न जंगल के इतने अंदर जा रहा हूँ कि मुझे अपनी सर्वाइवल स्किल्स पर फिर से काम करना होगा। तो ताकतवर पराइबा की तलाश करने से पहले मैं एक दिन के लिए जंगल वॉरफेयर सेंटर में आया हूँ ट्रेनिंग लेने। मैं अमेज़न में रहने के लिए कुछ सर्वाइवल टेक्निक सीखूंगा। इन लोगों को सिग्स कहते हैं और जंगल में जिंदा रहने के लिए यहाँ खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये शायद आपको थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा हो, लेकिन मैं ऐसी जगहों पे ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताऊंगा ताकि मैं कुछ नई ट्रिक्स सीख सकूं और उनसे मुझे कुछ फायदा हो। सिग्स ब्राजीलियन आर्मी की एक एलीट डिवीजन है। इन्हें कॉम्बैट और अमेज़न में सर्वाइवल की स्पेशलाइजेशन हासिल है। दुनिया भर की आर्मीज यहाँ ट्रेनिंग लेने और इनकी टेक्निक सीखने आती है और मैं भी जंगल के अपने ट्रिप के लिए यहाँ नई सर्वाइवल टेक्निक सीखने आया हूँ। और ये है सिम्बा, ये मैस्कॉट है सिग्स का। मुझे एनिमल्स को जंजीरों में देखना अच्छा नहीं लगता, मगर सिग्स ने कहा कि सावधानी जरूरी है। सर्वाइवल ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। पहला ऑब्स्टिकल सांप। सांप को स्टिक से कैसे हैंडल करना चाहिए ये सिखा रहे हैं। सांप को संभालने के कई तरीके होते हैं। इनके मुताबिक सांप का सेफ्टी रेंज उसकी लंबाई के एक तिहाई हिस्से जितना होता है और इस दूरी का ख्याल रखना चाहिए, वरना ये आपको कुंडली में लपेट सकता है और आपको काट सकता है। 1/3 लंबाई जितना डिस्टेंस रखना जरूरी है। मैं इसे हाथों से पकड़ने की कोशिश करूं? अपने हाथों से? हाँ ठीक है, कीजिए, सावधानी से आगे बढ़िए। देखिए, सांप पकड़ने का ये बिल्कुल सही तरीका है और ये सेफ भी है। मेरी उंगली इसके जबड़े के नीचे है और मेरा अंगूठा यहाँ पीछे इसकी स्कल के ठीक बीचों बीच है और ऐसे में ये सांप कुछ कर नहीं सकता। यानी मैं सिग्स ज्वाइन कर सकता हूँ? तो मैंने सांप पकड़ा सिग्स के तरीके से, बिना स्टिक के। ऑब्स्टिकल टू, पीने का पानी ढूंढना। नदी का पानी पीने लायक नहीं होता अगर उसे उबाला ना जाए, इसीलिए पानी का अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना जरूरी है। ये एक वाटर वाइन है, जब आप जंगल में होते हैं और आपको प्यास लगती है तो ये बहुत काम आती है। खास तौर पे इसका ये कर्वी पार्ट, ये पानी से भरा होता है, इसीलिए मुझे इसे यहाँ से काटना होगा। आपको वाइन इस तरह ऊपर रखनी होती है ताकि इसका पानी नीचे ना गिर जाए। पानी बहुत टेस्टी है इसका। ऑब्स्टिकल थ्री, जंगल में सोना। दरअसल जंगल में सांपों की भरमार होती है, इसलिए हम रात को सफर नहीं कर सकते। इन्होंने बताया कि अंधेरा होने से पहले कैंप लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अंधेरे में कई तरह के एनिमल्स बाहर निकल आते हैं, जैसे स्नेक्स, स्पाइडर्स और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स, और अंधेरे में आप ठीक से देख भी नहीं पाते, तो आग जलाना बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, आग जलाना बहुत ही जरूरी होता है ताकि जंगली जानवर दूर रहें। अच्छा, वो आग से डरते हैं। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आ रहा है। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और अब मैं कुछ और सर्वाइवल ट्रिक्स सीख चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। मुझे जिस इलाके में जाना है वहाँ पहुँचना आसान नहीं है, और मैंने सुना है कि वहाँ बेशुमार विशाल पराइबाज रहती हैं। अमेज़न एक विशाल जंगली इलाका है, ये लगभग USA जितना बड़ा है। यहाँ दुनिया की एक तिहाई एनिमल स्पीशीज रहती हैं, लेकिन मुझे अमेज़न से इतना प्यार इसीलिए है क्योंकि यहाँ मछलियों की 3,000 से ज्यादा प्रजातियाँ मौजूद हैं।
उसके दांत देखिए जरा, और शायद यहाँ अभी और भी कई प्रजातियाँ ढूंढी जा सकती हैं। अचानक हम बादलों में घिर गए हैं, यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अमेज़न में मौसम बहुत तेजी से बदलता है, मौसम खराब होता जा रहा है और आसपास देखने के लिए हमें जमीन के नजदीक आना पड़ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि हम अमेज़न के ऊपर से जीरो विजिबिलिटी में उड़ रहे हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। इनके पास बस एक रेडार है और वो भी काम नहीं कर रहा। हमारा प्लेन पेड़ों के बहुत नजदीक उड़ रहा है और आखिरकार अब वो नदी नजर आई है जहां हमें लैंड करना है। यहां किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अमेज़न बुश पायलट्स वाकई तारीफ के काबिल हैं। ये लोग असली मायनों में प्रोफेशनल्स हैं। हे, कैसे हो दोस्त? वेलिंगटन मेरे दोस्त। वेलकम, मिलकर खुशी हुई। मैंने अपने दोस्त वेलिंगटन के साथ कई बार फिशिंग की है। पिछली बार उन्होंने मेरी टांग से एक हुक भी निकाला था। बड़ी पराइबा मिलेंगी। हाँ, तुम तैयार हो ना? लैंड करते हुए मुझे फिक्र हो रही थी क्योंकि पानी बहुत ब्राउन लग रहा था और काफी धुंधला था, लेकिन वेलिंगटन का कहना है कि फिर भी हमें पराइबा मिल सकती है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। बारिश के बाद यहाँ पानी का लेवल बढ़ चुका है और ये देख कर मुझे फिक्र हो रही है, लेकिन मुझे यकीन है हमें यहाँ मॉन्स्टर पराइबाज मिल सकती है। वेलिंगटन मुझे अपने बेस कैंप में लाए हैं जहां हम जंगल के अपने एक्सपेडिशन की प्लानिंग करेंगे। ये काफी बढ़िया जगह है। वेलिंगटन और उनके परिवार ने इस शांत जगह पर एक छोटा सा फिशिंग कैंप बनाया है। वेलकम टू माय आइलैंड। लेकिन जिन विशाल पराइबर्स की मुझे तलाश है वो जंगल की नदियों में कहीं छिपी हैं और मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वेलिंगटन ने मुझे एक गाइड से मिलवाया है जो अगले कुछ दिन मेरे साथ रहेंगे। इजायस तुम्हारे गाइड होंगे, ये आसपास की सारी जगह जानते हैं। अच्छा, तो ये तुम्हें कुछ खास जगहों पर लेकर जाएंगे। इजायस को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और तुम इन पर पूरा भरोसा कर सकते हो। मेरे नए दोस्त इजायस ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन उनके साथ होने से मुझे फायदा होगा। वैसे भी ट्रिप पे हमें बात करने का बहुत वक्त मिलेगा। लीजिए शुरू करते हैं, हम पराइबा की तलाश में निकल गए। सच कहूं, मुझे अंदाजा भी नहीं है कि मुझे क्या मिलने वाला है। वेलिंगटन ने बताया था कि वहां पहुंचने में 3 दिन लगेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। मैं अपनी फिशिंग रॉड्स लाया हूं और इजायस अपना तीर कमान लेकर आए हैं। ये दिखने में बड़े खतरनाक लगते हैं, अपने तीर को धार दे रहे थे जब मैं वेलिंगटन से बात कर रहा था, और मुझे यकीन है कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। करीब 1 घंटे बाद हम एक तालाब के चट्टानी किनारे तक पहुंचे हैं। बड़ी कैटफिश ऐसे गहरे तालाबों में रहना पसंद करती हैं, और पराइबर्स साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी और ताकतवर कैटफिश हैं, जिनका वजन 135 किलो से ज्यादा हो सकता है, और उन्हें गहरे सुराखों से निकालने के लिए हमें मजबूत रिग्स तैयार करने होंगे। मैंने बड़ा सिंपल सा रिग बनाया है, एक स्लाइडिंग सिंकर मेन लाइन या रनिंग लाइन पर जो एक स्विवल से कनेक्टेड है, ये यहाँ पर, और मैं पिरानास की वजह से एक नॉन फ्लेक्सिबल मेटल लीडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उनके दांत बहुत तेज होते हैं, तो ये लीडर उन पिरानास को, उनके दांतों को मेन लाइन से दूर रखता है ताकि वो इस मेन लाइन को काट ना सके। इजायस को लगा कि इंतजार ज्यादा होगा, लेकिन अचानक फंस गई। ये शायद पिराना ही है। ये तो बहुत बड़ी पिराना है। ब्लैक पिराना एक खतरनाक प्रेडेटर है जो बहुत तेजी से और ताकत से काटती है। ये ब्लैक पिराना है, दुनिया में पिराना की सबसे बड़ी प्रजाति यही है। ये लो, थैंक्स। हमारे पास कुछ हॉट डॉग्स हैं। देखते हैं पिराना उन्हें कितनी जल्दी खाती है। इस फिश की बाइट स्ट्रेंथ इसके वजन से 30 गुना ज्यादा होती है। ये फिश लगभग 1 किलो की होगी शायद, मतलब इसके जबड़ों में 30 किलो का प्रेशर पैदा करने की ताकत है, और अगर यहाँ हॉट डॉग की जगह मेरी उंगली होती तो ये पक्का मेरी हड्डी तक चबा जाती। इस हॉट डॉग की हालत देखकर मेरा इस पानी में स्विमिंग करने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। यहाँ एक पिराना होने का मतलब आसपास और भी पिरानास होंगी और वो मेरा चारा खाती रहेंगी, लेकिन हमें पिरानास नहीं पकड़नी, इसीलिए हम एक और जगह जा रहे हैं जहाँ इजायस के मुताबिक मॉन्स्टर पराइबर्स मिल सकती हैं। मुझे बॉटम फिशिंग इसीलिए इतनी पसंद है, खास तौर पर अमेज़न में, और यहाँ इतनी स्पीशीज मौजूद है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको क्या मिलेगा, और वो ब्लैक पिराना इस बात का सबूत है।
किसी पिराना के लिए ये गियर काफी बड़ा है, मगर इससे मैं पराइबा आसानी से पकड़ सकता हूँ। ये गियर मैं समंदर में इस्तेमाल करता हूँ बड़ी फिश पकड़ने के लिए, जैसे कि शार्क और गोलायथ ग्रुपर। और अगर मुझे पराइबा पकड़नी है तो मुझे इसी की जरूरत पड़ेगी। अमेज़न की दूसरी चीजों की तरह आप यहाँ मौसम का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ बारिश होने लगी है और अभी तो हमारा काम भी शुरू नहीं हुआ है। इजायस ने पराइबा की तलाश कुछ देर के लिए रोक दी है, क्योंकि अचानक उन्हें एक केमन नजर आया है। यहाँ जिंदा रहने की जंग लगातार जारी रहती है। मैंने कहा था ना ये खतरनाक आदमी है, वहाँ एक केमन दिखाई दिया है और अब देखिए क्या होने वाला है। केमन को फिश काफी पसंद है और यहाँ तक के पिरानास भी, लेकिन खुद केमन भी यहाँ रहने वाले लोगों के खाने की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है। चलो अच्छी बात है, केमन तो बच गया, लेकिन ये भूखे रहेंगे। मैं केमन को नहीं मारना चाहता, हम फिश पकड़ेंगे ना, हम बहुत सी फिश पकड़ेंगे। मैं आपको फिश खिलाऊंगा। चलो हम फिश पकड़ते हैं। हाँ, वो फिकर मत कीजिए। हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। इजायस मुझे एक जगह दिखाना चाहते हैं जहाँ पहले बड़ी पराइबस पकड़ी जा चुकी हैं। बस यहाँ ठीक रहेगा, वहाँ देख रहे हैं वहाँ बहाव थोड़ा तेज है, तो वहाँ एक पूल होना चाहिए जो कैटफिश को बहुत पसंद है। वो गहरे तालाब में बॉटम पर रहना पसंद करती हैं, और पराइबा की बात करें तो वो पूरे वाटर कॉलम में शिकार करती हैं, तो ये बढ़िया जगह है। हमें देखना होगा कि इस तालाब में कोई मॉन्स्टर पराइबा है या नहीं। बोट आगे लो। इजायस बोट को नदी के बीच में ले आए हैं ताकि मैं फिश को किनारे के आसपास मौजूद जड़ों और झाड़ियों से दूर रखने की कोशिश कर सकूं। ये काफी बड़ी है। काफी बड़ी? हाँ, काफी बड़ी। बिग फिश, बिग फिश। ये बहुत बड़ी है। मैं अपने गाइड इजायस के साथ अमेज़न में हूँ, जहाँ मैं दुनिया की एक सबसे बड़ी फ्रेश वाटर प्रेडेटर और स्कैवेंजर फिश की तलाश में आया हूँ, यानी पराइबा। करीब आधे घंटे बाद मुझे कुछ उम्मीद लग रही है। कुछ तो फंसा है। बिग फिश, बिग फिश। ये बहुत बड़ी है। पकड़े रहना। ये काफी बड़ी है। काफी बड़ी है? हाँ, काफी बड़ी। ये जो कुछ भी है इसमें काफी ताकत है। जुंडिया? हाँ, ये जुंडिया है। जुंडिया? हाँ। ये पराइबा नहीं बल्कि जुंडिया है। करीब 7 किलो की ये लेपर्ड कैटफिश काफी ताकतवर होती है, तो आप 90 किलो की पराइबा की ताकत का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी फिश है। Yes, good job. सच कहूं तो इस फिश की ताकत के बारे में सोचकर हैरानी होती है। वजन के लिहाज से ये ताजे पानी में मिलने वाली सबसे ताकतवर फिश है। यकीन नहीं होता कि इसने मेरी रॉड को कितनी आसानी से मोड़ दिया था, जैसे मेरी रॉड रबर की बनी हुई हो। अनबिलीवेबल, कितनी ताकतवर फिश है। बहुत ताकत है तुम्हें। द जुंडिया लेपर्ड कैटफिश। इस छोटी कैटफिश की ताकत देखते हुए मैं सोच रहा हूं कि अच्छा हुआ कि मैं एक हेवी रॉड लेकर आया हूं, क्योंकि पराइबा इससे 20 गुना ज्यादा बड़ी हो सकती है। बहुत बढ़िया। कम से कम इजायस और मेरे बीच अब अच्छी दोस्ती हो चुकी है। हम उस कस्बे से ज्यादा दूर नहीं हैं जहां हमें रात बितानी है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें नदी के तेज बहाव का सामना करना होगा। हमारी छोटी बोट के लिए यहाँ नदी का बहाव काफी तेज है, इसीलिए हमें किसी सुरक्षित जगह से आगे जाना है। नदी के नीचे बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और उनकी वजह से बोट का प्रोपेलर टूट सकता है। हमें बोट से उतरकर इसे बहाव की उल्टी दिशा में ले जाना होगा। इस तेज बहाव में चलना आसान नहीं है। पानी का बहाव उससे ज्यादा तेज है जितना दिख रहा है, और नीचे चिकनी चट्टाने होने की वजह से हमें चोट भी आसानी से लग सकती है। Ah!
मेरे फिसलने से बोट का सिरा मेरे हाथ से छूट गया है और बहाव के साथ बहकर दूर जाने से पहले मुझे इसे पकड़ना होगा। मेरी टांग पर काफी चोट लगी है, लेकिन हमें किसी भी तरह पानी के तेज बहाव से बाहर निकलना है। हम कामयाब हुए। खुशकिस्मती से बोट नहीं पलटी और हमारा इक्विपमेंट भी सही सलामत है। ये वाकई मुश्किल काम था। जब मेरी टांग फंसी थी तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं मेरी टांग को चोट ना लग जाए। मुझे इसकी जरूरत है, मैं जंगल में पैदल चलने वाला हूँ। चोट नहीं आई है, शायद लिगमेंट गया है। हम उस गाँव में पहुंचे हैं जिसके बारे में इजायस ने बताया था। हम रात भर यहाँ रुक कर सुबह पैदल सफर करेंगे और सर्वाइवल मोड में हाइकिंग करते हुए जंगल के दूर दराज के फिशिंग स्पॉट्स तक पहुंचेंगे। मुझे इस तरह के गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। हेलो, यहां के लोग शांति से रहते हैं और शायद मैं अपने मकसद के करीब पहुंच चुका हूं। ये एक छोटी परायबा पका रहे हैं जिसे फिलियोचे भी कहते हैं। इसे कहां से पकड़ा था आपने? यहां नदी में? हाँ, नदी में से। यहां नीचे? हाँ, लेकिन जंगल के बहुत अंदर जाकर वहां बहुत सी बड़ी परायबा मिल सकती हैं आपको। वो इतनी बड़ी होती होंगी? हाँ, बिल्कुल होती। इससे बड़ी मिलेंगी? हाँ, एकदम मिलेंगी। हाँ? वो इतनी बड़ी होती हैं। अच्छा, इतनी बड़ी? हाँ। वाकई, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वाह, ये एक अच्छा साइन है। ये एक बेबी परायबा का सर है, फिलियोचे का सर। ये एक वाकई अच्छा साइन है कि हम लोग सही इलाके में है, है ना? अब कुछ उम्मीद लग रही है ना? हाँ। चीफ जानते हैं कि मैं एक बड़ी परायबा पकड़ना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उनका विशाल आकार और उनकी ताकत उन्हें बहुत ही खतरनाक बना देती है। वाह, ये बड़ी सही कहानी है। इन्होंने बताया कि एक गांव का आदमी कनू में फिशिंग कर रहा था और उसके पास एक हैंड लाइन यानी रस्सी थी और उसमें इतनी बड़ी मछली फंस गई कि वो उस कनू को और उस आदमी को पानी में खींच रही थी और अचानक कनू पलट गई और वो आदमी पानी में गिर गया। उसे अपनी कनू वहीं छोड़नी पड़ी और तैर कर किनारे तक जाना पड़ा। वो समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। ये एक बड़ी परायबा के अलावा और कोई मछली नहीं कर सकती है। और कोई मछली ये काम कर ही नहीं सकती। रात को सोने से पहले चीफ ने मुझे खाने पर बुलाया है। हम आखिरी बार ढंग का खाना खा रहे हैं। मैं इस स्वादिष्ट जंगल बारबेक्यू को खाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। दरअसल मेरे हॉट डॉग्स पिरानास ने खा लिए, वरना यहाँ ग्रिल पर कुछ पका लेता मैं। आखिरकार सुबह हो चुकी है। नदी के तेज बहाव में बोट खींचते वक्त मुझे चोट लग गई थी और आप ये खुद देख सकते हैं। बड़ी गहरी चोट है। मेरी थाई दर्द कर रही है, लेकिन जिन फिशिंग स्पॉट्स तक हमें जाना है वहाँ बोट से नहीं पहुँचा जा सकता, इसीलिए मुझे पैदल चलना होगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। आखिरकार हमारे एक्सपेडिशन की शुरुआत हो चुकी है और मुझे चाहिए एक परायबा। मैं कुछ सर्वाइवल टेक्निक्स जानता हूँ, पर पता नहीं इजायस और उनके तीर कमान के बिना मैं ये ट्रिप पूरी कर पाऊंगा या नहीं। ये आदमी एक असली सर्वाइवर है, देख रहे हैं? ये बिना किसी वजह के हर चीज नहीं काट रहे हैं। ये दरअसल रास्ता मार्क कर रहे हैं ताकि वापस लौटने में हमें आसानी हो। लेकिन इजायस की बताई जगह पर पहुंचकर हमें निराशा हुई। ये जगह पूरी तरह पानी में डूब चुकी है और यहाँ किनारे से फिश पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। पानी का लेवल काफी ऊपर हो चुका है, इसीलिए काफी सारे फिशिंग स्पॉट्स डूब गए। किनारों पर हर जगह पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ आए हैं तो कुछ तो करेंगे। इजायस एक स्टिक से पिराना पकड़ने की कोशिश में है, क्योंकि हमें रात में खाने के बारे में भी सोचना है। हम अपना हुक इसी तरह सेट करते हैं ना? इजायस शायद फिशिंग रॉड की बजाय बोट पर ही ज्यादा बढ़िया काम करते हैं। अचानक वो जंगल में कहीं गायब हो गए। मेरे ख्याल से वो मेरे खाने का इंतजाम करने गए हैं। यहाँ पर पिरानास हैं। सुनिए, ठक 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 ठक। फंस गई, लगता है पिराना फंसी है। ये है क्या? ओ, ये एक ईल है, इलेक्ट्रिक ईल। मुझे पानी से बाहर निकल जाना चाहिए। ये फिश बहुत ही खतरनाक है और 600 वोल्ट तक के इलेक्ट्रिक शॉक्स डिस्चार्ज कर सकती हैं। मुझे इस मछली की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। मैं फौरन पानी से बाहर निकल आया। ये बहुत खतरनाक फिश है, आपको शॉक देकर आपकी हालत खराब कर सकती है। इजायस, मैंने एक इलेक्ट्रिक ईल पकड़ी है। क्या? इलेक्ट्रिक ईल। रुको 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 रुको।
इस ईल को रिलीज करना खतरनाक होगा और इजायस को लगता है कि ये खतरा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, मर गई। आप इसे खाना चाहते हैं? हाँ। मैं जानता था कि इलेक्ट्रिक ईल्स खतरनाक होती हैं। मैंने बस चिल्लाकर इन्हें बताया ही था कि मैंने इलेक्ट्रिक ईल पकड़ी है और ये भाग कर आए और बूम बूम इसके सर पर वार करके इसे मार डाला। शायद ये डरते हैं इस मछली से। ठीक है, आप इसे उठाइए। नहीं, आप उठाइए। आपने मारा, आप उठाइए। नहीं, आप। नहीं नहीं, पहले आप। कुछ महसूस हुआ? हाँ। हाँ? नहीं, ये लीजिए, इसे उठाइए। आप कोशिश कीजिए। जरा इस ईल का साइज देखिए। इस ईल को मारकर मुझे बुरा लगा, लेकिन इससे हमें आज रात का खाना जरूर मिल जाएगा। हालांकि मैं नहीं जानता इसका टेस्ट कैसा होता है। अंधेरा हो चुका है और हम अगले स्पॉट तक नहीं जा सकते, तो हमें यहाँ कैंप लगाना पड़ेगा। और आज का खाना है इलेक्ट्रिक ईल। एक जंगल में एडवेंचर पर निकलते वक्त एक फिशिंग रॉड का साथ में होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम आपको मछली खाने को मिलती है, आपको अजीब कीड़े मकोड़े नहीं खाने पड़ते। लेकिन यहाँ आज मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक ईल पकड़ पाया हूँ और ये वाकई बड़ी घिनौनी फिश लग रही है, लेकिन खा के देखते हैं कैसा लगता है। आपको अच्छी लगी क्या? अच्छी नहीं है ना? नहीं। इन्हें भी पसंद नहीं आई। 4 घंटों की नींद के बाद खाली पेट जागने से बदतर कुछ नहीं हो सकता, खास तौर पर अगर आप जानते हो कि आपको जंगल में दिन भर पैदल चलना है। मैं ठीक हूँ। जख्म बहुत गहरा है। मैं वहां उस जगह पर फिसल गया। पता नहीं मेरा पैर ऐसे कैसे कटा है। मुझे बस इन्फेक्शन का डर है, वरना मुसीबत हो जाएगी। इस चोट के बावजूद मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। जख्म पर दवा लगाकर हम फिर से आगे बढ़ते हैं। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ईल हालांकि टेस्टी नहीं थी, पर उससे हमारा थोड़ा पेट जरूर भरा था, लेकिन हमें अब फिर से भूख लगी है। इजायस एक ऐसी जगह जानते हैं जहाँ टेस्टी पीकॉक बैस मिल सकती है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें नदी पार करनी होगी। हम वहाँ उन चट्टानों पर फिशिंग करना चाहते हैं और इनका कहना है कि वहाँ पीकॉक बैस मिल सकती है, पर मुश्किल ये है कि हमें नदी पार करके जाना पड़ेगा और बहाव तेज है और पानी गहरा भी बहुत है। हाँ, तो शुरू करें। आप जाइए पहले। नहीं, आप। ये पहले नहीं जाना चाहते, ये अच्छा साइन नहीं हो सकता। अमेज़न नदी के पानी में जाने से मुझे हमेशा से डर लगता रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पानी में क्या है। और इस बार तो मेरे पैर पर ताजा जख्म भी है। मुझे भूख लगी है, मेरी थाई में सूजन है और मेरे पैर से खून निकल रहा है। सच कहूं तो मैं ज्यादा देर तक पानी में नहीं रुकना चाहता। हम पहुंच गए। हम किसी का खाना बनने से बच गए, लेकिन हमारा एक बर्तन नदी में गिर गया है जिसमें हम पानी उबाला करते थे। पीने का पानी मिलना अब मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पहले हमें खाना चाहिए। मैं एक पीकॉक बैस पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इजायस भी मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पास रॉड और रील नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने दूसरी बार चारा डाला है और अचानक क्या पकड़ा? आपने पकड़ ली? हाँ। मुझे दिखाओ। हाँ। अच्छी फिश है। ये आदमी टाइम वेस्ट नहीं करता। तीर मारा सीधा सर में। मछली पकड़ने का ये तरीका भी बुरा नहीं है। दोपहर में खाने के लिए हमारे पास एक पीकॉक बैस मौजूद है और अब मैं यहाँ एक पराइबा पकड़ना चाहता हूँ। मैं उस पूल में से कुछ पकड़ना चाहता हूँ। वहाँ नदी का बहाव देख रहे हैं आप? नदी के बहाव की वजह से पानी के नीचे एक होल बन जाता है और पराइबा जैसी कैटफिश को होल बहुत पसंद है। 10 मिनट के इंतजार के बाद कुछ उम्मीद हुई है। एक पिराना है, एक ब्लैक पिराना, काफी बड़ी है।
मैं अपने गाइड इजायस के साथ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ठीक बीच में हूँ और मुझे एक विशाल परायबा की तलाश है। मेरी लाइन पर इस वक्त एक ताकतवर प्रेडेटर फिश है, लेकिन ये परायबा नहीं है, ये एक पिराना है, एक ब्लैक पिराना। काफी बड़ी है। जरा इस ब्लैक पिराना का साइज तो देखिए, कितनी खूबसूरत फिश है। इस दुनिया में पिरानास की सबसे बड़ी स्पीशीज इस वक्त मेरे हाथों में है। सोचकर अजीब लग रहा है कि मैंने अभी अभी नदी पार की है इन चट्टानों तक पहुंचने के लिए, और इस नदी में ये फिश भरी पड़ी है। जरा इस फिश के दांत तो देखिए, ये बिल्कुल किसी शार्क के जैसे लग रहे हैं। यहाँ शायद इतनी पिरानास हैं कि दूसरी कोई फिश हो ही नहीं सकती। मुझे यहाँ पर भी कोई परायबा नहीं मिली है, और अब हमें सूखी लकड़ियां ढूंढनी है ताकि हम आग जला सकें। इसीलिए हम फिर से जंगल में गए हैं। हम गर्मी से परेशान हैं, लेकिन हमें एक ऐसी चीज मिली है जिससे एनर्जी मिलने के साथ हाइकिंग में मदद मिलेगी। ये एक ब्राजीलियन नट है, ये रहा, ये इस बड़े से पेड़ से गिरा है। मैं इससे पहले भी अमेज़न में आ चुका हूँ। उस वक्त मैं ब्राज़ील में था, वहाँ मैंने कुछ नट्स खाए थे जिनमें एक कीड़ा था, और हमें वो कीड़ा खाना था। ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, पर मुझे भूलना था कि मैं असल में एक कीड़ा खा रहा हूँ। ये लो, ये खा कर देखो। अच्छा है क्या? काफी मेहनत करनी पड़ रही है, पर इस मेहनत का फायदा भी है क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है। ऐसे दो खाकर आप सारा दिन चलते रह सकते हैं। टेस्टी है, अच्छा है। जंगल में दो घंटे तक हाइकिंग करने के बाद हम एक नदी के पास पहुंचे हैं जो करीब 300 फुट चौड़ी है। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, और साथ ही इसके नीचे चिकनी चट्टानें भी मौजूद हैं। वहां हर जगह सुराख भी है। मेरी टांग में सूजन अभी भी है, और मुझे ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं पानी में बह न जाऊं। इजायस हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं, और उन्होंने अगला खाना ढूंढ भी लिया है। इजायस, इजायस क्या है वहां पर? वाह, अनबिलीवेबल। आपने देखा इन्हें? इन्होंने फिश को स्पीयर किया, और इन्होंने अपने बो का इस्तेमाल ही नहीं किया, बस फिश को देखा और बड़ाम, सिर्फ अपने तीर से पकड़ा उसे। क्या बात है। अब इस फिश को देखिए, ये वाकई एक खतरनाक प्रेडेटर है। इसके सामने पिराना असल में कुछ भी नहीं है। देखिए जरा इसके दांत देखिए, ये देखिए कितने पैने हैं। ये एक जायंट ट्रोरा है, मैं इसे पहले भी पकड़ चुका हूँ। ये छिपकर शिकार का इंतजार करती हैं, और जैसे ही शिकार इनके करीब आता है, बैंग, ये उस पर झपट कर उसे खाती हैं। तो ये अच्छी बात है कि इजायस को ये दिखी। मैं आगे होता तो इसके सुराख में मेरा पैर पड़ जाता, और फिर बूम, मेरा पैर। इस वक्त तक अब हमें काफी भूख लग चुकी है। हमें फिश खाने के लिए कोई जगह ढूंढनी है, और आग जलाने के लिए अमेज़न के खूबसूरत बीच से बढ़िया और कोई जगह नहीं हो सकती। पीकॉक बैस काफी टेस्टी है, पर दो लोगों के लिए काफी नहीं है। खुशकिस्मती से हमारे पास ट्रोरा भी है जिसे इजायस ने पकड़ा था, और इससे हमारा काम चल जाएगा। काफी टेस्टी है ना? हाँ। इलेक्ट्रिक ईल खाओगे? नहीं। ये अच्छी है ना? हाँ। ये सर्वाइवल के लिए बढ़िया फिश है। थैंक यू। गर्मी बहुत ज्यादा है, और पहली नदी पार करते वक्त हमारा पानी उबालने वाला बर्तन गिर गया था, तो अब हमें पानी ढूंढना है जो पीने के लिहाज से सुरक्षित हो। अभी निकलेगा, लेकिन इन वाटर वाइन्स में ज्यादा पानी नहीं है। बहुत प्यास लगी है, और मैं हर जगह वाटर वाइन्स ढूंढ रहा हूं। जो भी मिल रही हैं वो तो बहुत सूखी हैं। इजायस को अचानक अगला शिकार नजर आया है, एक स्पाइडर मंकी। इजायस एक माहिर शिकारी है, और वो तेजी से उसके पीछे गए हैं। सिरल, बंदर है क्या? हाँ, बंदर। निशाना नहीं लगा? निशाना चूक गया। ये बंदर के पीछे इतनी तेज भागे थे, निशाना चूक गया।
स्पाइडर मंकी बच गया। असल में अच्छा ही हुआ कि ये बंदर ठीक ठाक है। मैं मरा हुआ बंदर नहीं देखना चाहता, मैं बंदर नहीं खा सकता हूँ। अब अगला खाना पकड़ने की बारी मेरी है। मुझे दो काम करने हैं। मुझे पुराइबा के लिए ताजा चारा पकड़ने के साथ साथ इन बंदरों को इजायस से बचाना भी है। ओ, ओ, फंस गई, फिश फंस गई। कुछ तो फंसा है। ओ, पीकॉक बैस। ओ। ओ, ये देखिए, एक खूबसूरत पीकॉक बैस। खूबसूरत फिश है ना? मैं इस फिश को वापस छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अमेज़न में आपको अगला खाना तैयार रखना पड़ता है। ये लीजिए, आपको काफी भूख लगती है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। जंगल काफी घना है और अंधेरा होने से पहले हम अगले फिशिंग स्पॉट तक नहीं पहुंच सकते, मतलब हमें रात में जंगल पार करना होगा। तो अब हमें रात में चलना पड़ रहा है, जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रात में पूरा जंगल जाग जाता है, हालांकि खतरा तो दिन में भी होता है, लेकिन रात के वक्त सारे जानवर जो हैं वो और खतरनाक हो जाते हैं, और सबसे खतरनाक होते हैं सांप। हमने सिग्स का रूल नंबर 1 तोड़ दिया है। अंधेरा होने से पहले कैंप नहीं लगाया, लेकिन सुरक्षित जगह ढूंढना हमारे लिए जरूरी है। ऑलराइट, हम यहीं कैंप लगाने वाले हैं। लेकिन कैंप लगाने से पहले मैंने सिग्स का एक रूल फॉलो किया है। तो आग जलाना इम्पोर्टेंट होता है। आग जलाना बहुत ही जरूरी होता है ताकि जंगली जानवर दूर रहें। पैंथर्स जैसे एनिमल्स को दूर रखने के लिए हमने आग जलाई है और अब हम सोने वाले हैं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ लेट कर। अक्सर हम लोग अपने हैमक्स के ऊपर कैनपी भी लगाते हैं, पर हम इतने ज्यादा थक चुके हैं कि हिम्मत नहीं हो रही, सोना है। गुड नाइट मेरे दोस्त। गुड नाइट। हमारी नींद पूरी नहीं हुई है और हमें प्यास भी लगी है। ये जहरीला है। ओह ओह, नहीं नहीं नहीं, ये जहरीली है। नहीं हाँ, सुनकर देखो, तो ये वाइन अच्छी नहीं है, ये खतरनाक है। अगर इसे पी लिया तो आप मर सकते हैं। हाँ। अच्छा, वाह, ये वाइन, हालांकि इसमें पानी है, ये जहरीला है, इसे पीकर हम मर भी सकते हैं। मैं थक चुका हूँ और थोड़ा निराश भी होने लगा हूँ। पानी का लेवल ऊंचा होने की वजह से हम बढ़िया तालाबों तक नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन इजायस एक और जगह जानते हैं जहाँ हम किनारे पर खड़े होकर फिशिंग कर सकते हैं। सच कहूं तो जंगल से बाहर निकलकर अच्छा लगता है। ये बड़ी अच्छी जगह है, बीच पर हैं हम। जंगल इतना घना है कि दम घुट जाता है आपका, हर चीज आपके चेहरे के इतने करीब होती है। मुझे एक उम्मीद लग रही है। आसमान साफ है, मौसम बढ़िया है और मैं मॉन्स्टर फिश को ढूंढने की एक और कोशिश कर सकता हूँ। हो सकता है इस बार हमें पराइबा मिल जाए। मॉन्स्टर का इंतजार एक बार फिर शुरू हुआ है। फंस गई, मछली फंस गई। उम्मीद है कि पराइबा ही होगी। ओह, बड़ी मछली है। मैं पिछले 3 दिन से अमेज़न के घने जंगल में पैदल चलते हुए एक विशाल पराइबा ढूंढ रहा हूँ। मछली फंस गई। मैं निराश होने लगा था, लेकिन अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आई है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि ये पराइबा होगी, मगर ये तो एक रेड टेल्ड कैटफिश है। ये एक बड़ी खूबसूरत किस्म की कैटफिश है। एक रेड टेल्ड कैटफिश या पिरारारा पोर्चुगीज भाषा में, ब्राजील बेसिकली। और इस फिश का पूरा सर जो है, ये पूरा हड्डी है। देखिए,
ये हड्डी 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 यहाँ तक हड्डी है। ये फिश पूरी तरह से आमोप्लेटेड होती है। इसके शरीर के एक तिहाई हिस्से में सिर्फ हड्डी ही है और इस फिश के पास एक बॉटम फीडर होने की सारी खासियतें हैं। ये देखिए यहाँ ये बार्बल्स हैं जिनसे ये खाना ढूंढती है। ये बड़ा चौड़ा मुंह ताकि जो भी शिकार इसे मिले उसे ये निगल सके। और ये छोटी छोटी आंखें, क्योंकि आंखों का इनके शिकार में ज्यादा फायदा नहीं है, ये बार्बल्स से महसूस करती हैं बॉटम में और शिकार को ढूंढती हैं। देखिए ये एक वाकई बड़ी कैटफिश है, पर मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ ना वो इससे कम से कम 4 गुना ज्यादा बड़ी होगी। बढ़िया फिश है। अच्छा दोस्त, अब तुम वापस जाओ, चलो फिर मिलेंगे। इजायस का कहना है कि हमें वापस लौटना चाहिए, हम काफी दूर आ चुके हैं और किनारे से फिशिंग करना काफी मुश्किल है, लेकिन मुझे किसी भी तरह एक मॉन्स्टर पराइबा ढूंढनी है। यहाँ पर किनारे से मछली पकड़ना इतना मुश्किल होगा ये मुझे नहीं पता था। यहाँ पराइबा हो सकती है, मुझे वहां पर उस तरफ कुछ अच्छे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, मगर वहां से भी किनारे से फिशिंग करना मुश्किल बहुत है। मुझे वहां तक पहुंचने के लिए एक बोट या कनू तो कम से कम चाहिए ही। हम थके हुए हैं लेकिन वापस लौटना मुझे बुरा लग रहा है। तो अब हम वापस जा रहे हैं अपने कैंप की तरफ, वेलिंगटन के कैंप में। अब जो भी प्लान होगा वहीं जाकर बनाएंगे, क्योंकि ये प्लान तो काम नहीं कर रहा है। हम अपनी बोट पर सवार होकर वेलिंगटन के कैंप की तरफ जा रहे हैं, जहां हम एक दूसरा प्लान तैयार करेंगे। मुझे मजा तो बहुत आया, मैंने कुछ काफी अच्छी फिश पकड़ी, मगर बहुत सी फिश पकड़ी मगर पराइबा नहीं पकड़ पाया। मैं निराश और थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस पराइबा को पकड़ने की कोशिश जरूर करूंगा। ओ, कैंप आने वाला है। हम कैंप पहुंच रहे हैं। ओह मैन, हम पहुंच गए सिरिल। यहाँ तो बड़ी लग्जरी है। हेलो, कैसे हैं? हेलो, तो बताओ मुझे ट्रिप कैसा रहा? हम लोगों को मजा तो बहुत आया, थक गए हम लोग। सच में? हाँ, नहीं नहीं, हमें वाकई मजा आया। हमने बहुत सी अच्छी फिश पकड़ी लेकिन पराइबा नहीं पकड़ पाए। पानी बहुत ऊपर तक चढ़ा है। अच्छा? उस वजह से हम किनारों पर कई सारे अच्छे स्पॉट्स तक पहुँच नहीं पा रहे। तुम थोड़ा आराम करो, बढ़िया खाना खाओ और नहा लो, तुम्हें नहाने की जरूरत है। मुझसे बदबू आ रही है। हम में से बदबू आ रही है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि हम नहाए नहीं हैं। अब जाओ और थोड़ा आराम करो। मैंने टेंट में थोड़ी नींद ले ली है और पिछले 3 दिनों के मुकाबले बहुत आराम से सोया हूँ। और क्योंकि हम ब्राजील में हैं, तो यहाँ अमेज़न के घने जंगल में हम फुटबॉल भी खेल रहे हैं। साफ पानी है और सोप, इतना अच्छा लग रहा है ना, बता नहीं सकता। तो मुझे जरा वहां के बारे में थोड़ा बताओ। तो दरअसल पानी का लेवल कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। इतना पानी है कि किनारे पर खड़े होने की जगह नहीं है और रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं, कोई चीज मुझे काट लेगी। ओके डैड, आप सिरिल को उस जगह क्यों नहीं ले जाते जहाँ हमें बड़ी पराइबा दिखाई दी थी उस दिन? हाँ, इसने तो मुझे एक अच्छा आइडिया दे दिया। ये है, पराइबा की बात कर रही थी ना। हाँ, इसने कहा हम तो तुम्हें उस जगह क्यों नहीं लेकर जाते जहाँ हमने सबसे पहले बड़ी पराइबा देखी थी। क्यों ना वहाँ चला जाए। हाँ बिल्कुल, चलते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, कामयाबी मिलेगी हमें। हियर वी गो। मुझे खुशी है कि तुम जिंदा लौट आए वहाँ से। ये वाकई अच्छी बात है। यहाँ ये मेरा आखिरी दिन है और वेलिंगटन मुझे एक और स्पॉट पर ले जा रहे हैं। मुझे उन पर भरोसा है, वो इस इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इतनी बार निराश होने के बाद मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहता। वेलिंगटन, क्या लगता है हमें यहाँ पर मिलेगी पराइबा? कोई चांस है क्या? कोशिश करते हैं, उम्मीद तो है। यकीन नहीं होता, एक मॉन्स्टर फिश को पकड़ने के लिए कितनी दूर तक गए, समझ में नहीं आया। वहां कुछ अच्छी फिश पकड़ी पर वो नहीं जो मुझे चाहिए।
और एक बार फिर पराई बस चारे के पास तक नहीं आ रही। लेकिन अचानक ओ 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 मछली फंस गई, बड़ी भारी है। भारी फिश है? हाँ, पर पता नहीं कौन सी फिश है, फिलहाल ज्यादा हिल नहीं रही है। ये फिश बहुत ही वजनी और ताकतवर है, वो हमारी बोट को खींच रही है। अरे बाप रे, ये तो ऊपर ही नहीं आ रही है। वो बहुत जोर लगाएगी, इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी और आसानी से ऊपर भी नहीं आएगी। हम अगर फंस तो गई है। तुम्हें दिखाई दे रही है? बढ़िया मछली है। अब अगर ये एक रेड टेल कैटफिश भी हुई तो बहुत बड़ी रेड टेल कैटफिश होगी ये। जो भी हो मुझे खुशी ही होगी। वो ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। अरे ये तो एक पराइबा है। क्या कह रहे हो? वही है। मैं इसे खोना नहीं चाहता, ये वही फिश है जिसकी मुझे तलाश थी। यकीन नहीं हो रहा, ये वही है। जरा उस फिश का साइज देखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ी फिश है ये। अनबिलीवेबल। ए वेलिंगटन, देखो कितनी बड़ी फिश है। हाँ, ये बहुत बड़ी है। हम इस फिश को लेकर उस शैलो पानी में जाएंगे और इसे रिलीज करेंगे। हम इसे गहरे पानी में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये थकी हुई है। हम इसे थोड़ा वक्त देंगे ताकि ये रीऑक्सीजनेट और आराम कर सके, तभी हम इसे छोड़ेंगे। इसे यहाँ लाओ, आपको इसके साइज का अंदाजा तब होगा जब मैं इसके साथ खड़ा होऊंगा। 6 फुट लंबी और वजन करीब 80 किलो। अमेज़न का यही तो कमाल है। इस फिश का साइज तो देखिए जरा, अनबिलीवेबल, कितनी बड़ी फिश है ये। खूबसूरत पराइबा, ये वाकई एक मॉन्स्टर है, दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक, जो इस वक्त मेरे हाथों में है। माय गॉश, देखिए इसका सर कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा सर, और ये पतला सा शरीर, बड़ी ताकतवर है ये। कितनी अजीब बात है कि मैं इसे पकड़ने के लिए जंगल के कितने चक्कर काट रहा था, न जाने कहां कहां घूम रहा था कि ये मिल जाए, और मैंने इतने दिन बिताए इजायस के साथ इसे ढूंढते हुए, और फाइनली ये मिली भी तो वेलिंगटन के कैंप के बिल्कुल पास, और ये मॉन्स्टर हमेशा से हमारा यहीं पर इंतजार कर रही थी। क्या बात है वेलिंगटन, शुक्र है मैं कैंप वापस आ गया। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। ओह, ये तो जाने को तैयार है, देखिए इसे। गुड बाय मेरे दोस्त। यस वेलिंगटन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच, यू आर द बेस्ट। नहीं, तुम बेस्ट हो। थैंक यू माय फ्रेंड। पराइबा को ढूंढने में मुझे वाकई मजा आया। इस एक्सपेडिशन में मैं विशाल फिश पकड़ने के लिए अमेज़न के घने जंगल में गया। Unbelievable. इस दौरान मैंने बहुत सी सर्वाइवल स्किल्स भी सीखी। Yes, मैंने ये सांप पकड़ा अपने हाथों से। ये दुनिया की सबसे दूर दराज की जगहों में से एक है, और यकीनन ये काम इतना आसान नहीं था। और जब मैं निराश होने ही लगा था तो मेरे दोस्तों इजायस और वेलिंगटन ने मेरा साथ दिया, और मैं इस शानदार फिश को पकड़ने में कामयाब हुआ। लगता है इन्हें कछुआ खाना पसंद नहीं है, वरना ये तो इसे खा चुके होते। ये पहले नहीं जाना चाहते, ये अच्छा साइन नहीं हो सकता।